The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So let's talk about corona and monoclonal antibodies. Pehle to hume ye pata ho कि इसराइल ने मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ के बारे में कि भाई हमने दवा निकाल ली है और हम इसका पेटेंट करेंगे और फिर अपने दोस्तों को देंगे और फिर लोगों को बांटेंगे. सो उसके बारे में बहुत सी खबरें आपने सुनी होंगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ होती क्या है? वो बहुत ज़रूरी है जानना. अगर आपको यही नहीं पता तो बात आगे फिर क्या बात करें. सो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं और कैसे वो इस्तेमाल की जा सकती हैं कोरोना वायरस के अगेंस्ट, और क्या उनसे बना गया इलाज एक्चुअली में इलाज हो सकता है, क्या सक्सेसफुल हो सकता है, इसको जानेंगे आज, बात करेंगे. उसके पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना होगा मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़. पहले तो ये समझे कि एंटीबॉडी क्या होती है, एंटीजन क्या होता है. हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो काम ऐसे कैसे करता है, वो क्या करता है, कोई भी फॉरेन सब्सटेंस आता है, फलाना ढमकाना वायरस बैक्टीरिया कुछ भी आ जाए, सो एक फॉरेन सब्सटेंस को लेके एक एंटीबॉडी उसके ऊपर के जो सरफेस है उसका, जो भी उसके ऊपर है सरफेस है, हर चीज़ का सरफेस है उसके ऊपर, ऑब्वियसली सब कुछ दुनिया में जो बना है वो प्रोटीन से बना है, लिपिड्स और प्रोटीन, कभी कभार मिक्सचर, कभी थोड़ा बहुत कार्ब्स कार्बन, कुछ ना कुछ तो उसमें प्रोटीन होता है, राइट. सो वो प्रोटीन या उसका जो ऊपर का जो सरफेस है उसमें जो टुकड़ा है उसको हम एक एंटीजन बोलते हैं. एंटीजन बोलते हैं वॉट एवर यू कॉल इट, उसमें एक पीस लेके उस एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बनाते हैं. दैट्स द वर्क ऑफ योर बीटा सेल्स, बी लिम्फोसाइट्स, नॉट बीटा सेल, बी लिम्फोसाइट्स इन योर इम्यून सिस्टम. और ये बी लिम्फोसाइट्स जो हैं एंटीबॉडीज लार्ज नंबर में बनाते हैं ताकि आपका जो वो फॉरेन सब्सटेंस है एक तो उसको वो मार सकें, अगर वो फॉरेन सब्सटेंस मल्टीप्लाई कर रहा है यानी वो वायरस हो या बैक्टीरिया हो, और अगली बार अगर वो आएगा आपके अंदर तो आप उसको तुरंत के तुरंत मार सको. सो इस तरह से एक एंटीबॉडी बनाया जाता है, वो एक प्रोटीन है जो कि एक स्पेसिफिक एंटीजन को स्टिक करके एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन करके उस जो भी परचीज है फॉरेन बॉडी है उसको ख़त्म कर देता है. सो एंटीबॉडी आपके पूरी ब्लड में सर्कुलेट करता है ढूंढते ढूंढते कि कहाँ है ये एंटीजन, कहाँ है एंटीजन, वो सारे एंटीजन को मार देता है. जब तक वो एंटीजन मिलेगा नहीं तब तक वो अटैच नहीं होगा. सो वंस दे अटैच दे फोर्सेस द अदर पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम कि भैया हमने अटैच कर दिया, ये है वो एंटीजन, आओ 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 इसको मारो. सो वो उसको एक तो खुद भी मार देता है कई बार, और कई बार वो क्या करता है दूसरे टी लिम्फोसाइट्स किलर सेल्स ये सेल्स को बोलता है इधर ढावा करना है, तो वो डायरेक्ट करता है आपके एक तो आपके इम्यून सेल्स को कि इसको मारना है. तो इस तरह से एक एंटीजन एंटीबॉडी मदद करते हैं, एंटीबॉडी एंटीजन वाले सेल्स को मार देने में, वायरस को मार देते, बैक्टीरिया को मार देते, ऐसे अलग अलग तरीके की बीमारियों को भी मारा जा सकता है. हर चीज वायरस में है, बैक्टीरिया में है, आपके खुद के सेल्स हैं, उल्टे सीधे सेल्स हैं, कैंसर के सेल्स हैं, उनके ऊपर भी एंटीजन होते हैं. अगर वो एक स्पेसिफिक एंटीजन मिल गया कि ये एंटीजन जो है ये इस वायरस के लिए स्पेसिफिक है, ये एंटीजन जो है ये आपके शरीर में कहीं नहीं है, ये कैंसर के लिए स्पेसिफिक है, तो उस एंटीजन के खिलाफ अगर हमने एंटीबॉडी बना ली तो हम आपके इम्यून सिस्टम्स को डायरेक्ट कर सकते हैं कि किस पे टारगेट करना है, किसको गोली मारनी है, बात समझ रहे हैं. तो स्पेसिफिकली हम उस वायरस को भी मार सकते हैं, स्पेसिफिकली हम उस कैंसर को भी मार सकते हैं, और रिसर्चर्स कैन डेवलप डिजाइन एंटीबॉडीज प्रोड्यूस स्पेसिफिकली टू टारगेट सर्टन एंटीजन्स जो हो सकते हैं कैंसर से, तो कैंसर को भी मारा जा सकता है, राइट. सो इस तरह से बहुत सारे प्रकार के एंटीबॉडीज बन रहे हैं लैब में, इस तरीके के एंटीबॉडी जो कि एक स्पेसिफिक एंटीजन के खिलाफ बने और एक ही प्रकार के एंटीजन को ढूंढें पूरे ब्लड में, पूरे शरीर में, और वहां कहीं भी मिल जाए उसको मार दे, उसको कहते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, मैप्स, MAPs, राइट. ऐसी कई सारी ऑलरेडी बनाई गई एंटीबॉडीज हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, जो बहुत सारी दूसरी तीसरी बीमारियों के खिलाफ इस्तेमाल ऑलरेडी की जा रही है, राइट. मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आर ऑलरेडी यूज्ड टू ट्रीट मेनी डिजीजेस इंक्लूडिंग सम टाइप्स ऑफ कैंसर्स, कुछ प्रकार के कैंसर्स. नाउ कुछ
Now, to make a monoclonal antibody, researchers को पहले identify करना पड़ेगा right antigen कहां से आ गया। अब यही right antigen cancer का मिल जाए तो cancer को मार देंगे, right? और यही right antigen कोरोना वायरस का मिल जाए तो कोरोना को मार देंगे। अब ये चीज टेस्टिंग में पता चलेगा कभी कभार कि भाई ये एंटीजन गलत तो नहीं है, तो हो सकता है वो एंटीजन ऐसा हो जो जो कोरोना में भी था और साथ में आपके किसी एक आपके स्प्लीन में भी था या आपके जॉइंट में भी था, तो कोरोना तो डैमेज हो ही रहा है साथ में आपका जॉइंट भी डैमेज हो रहा है। सो देर आर सम साइड इफेक्ट्स ऑल्सो, है ना। सो इसीलिए ये चीज़ पता करनी कि एक मोनो एक स्पेसिफिक एंटीजन मिला जो सिर्फ उसमें है, ये रिसर्चर्स का काम है, राइट। सो ऐसे ही टारगेटेड थेरेपी की जा सकती है कैंसर के लिए भी और इसके लिए भी। अब याद रखिए, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज मैन मेड प्रोटीन्स हैं, जो ह्यूमन एंटीबॉडीज इम्यून सिस्टम्स जो सेल्स हैं उसके प्रकार से बनती हैं। सो इसमें क्या होती है, ये कैसे बनती है, देर आर फोर डिफरेंट वेज ये कि एक रिसर्चर जिसको बना सकते हैं। एक तो बन सकते हैं म्यूरिन यानी माउस प्रोटीन के थ्रू, जो जिसमें अगर अगर उसके थ्रू बनता है तो फिर नाम आता है ओमैब। याद रखिए जितने भी ये बनी है ये इसके लास्ट में ओ मैब करके नाम आता है, अगर MAB मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज और ओ मैब मैब करके कई सारी आपको दवाइयाँ भी मिलेंगी, राइट। और काइमेरिक एंटीबॉडीज होती हैं, काइमेरिक मतलब माउस और ह्यूमन दोनों का मिक्सचर होता है, तो उसके उसके आखिरी में आता है ZMAB XIMIB। और ह्यूमनाइज्ड अगर होती हैं जो माउस प्रोटीन से छोटा सा पार्ट होता है और बाकी सारा ह्यूमन प्रोटीन से होता है तो उसको ZUMAB बोलते हैं, और सिर्फ ह्यूमन से आती है तो UMAP बोलते हैं। ऐसे चार तरीके से मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बन सकती हैं। अब इसमें कुछ नेकेड मोनोक्लोनल होती हैं, कुछ कॉन्जुगेटेड मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, बाई स्पेसिफिक मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज होती हैं, और अल्टीमेटली मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज में रिस्क भी होता है, साइड इफेक्ट भी होते हैं। अब क्योंकि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जब बन जाती हैं, चाहे वो कैंसर के खिलाफ बने चाहे वो वायरस के खिलाफ बने, उसको इंट्रावीनस देते हैं, डायरेक्ट आपके वेन में डाला जाता है और वो खुद ही प्रोटीन है। तो कुछ लोग प्रोटीन से एलर्जिक हो सकते हैं, जैसे कोई अंडे से एलर्जिक है, कोई पीनट से एलर्जिक है, पूरी दुनिया तो नहीं है, कुछ लोग हैं। तो कुछ लोग उस प्रोटीन से भी एलर्जिक हो सकते हैं, एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, राइट। याद रखिए दिस इज वन पॉसिबल साइड इफेक्ट। इसके अलावा और भी पॉसिबल साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जस्ट लाइक एनी अदर ड्रग, इसमें भी आपको बिकॉज ये भी प्रोटीन है तो कई बार आपका इम्यून सिस्टम इसके खिलाफ, इस प्रोटीन के खिलाफ भी इम्यून सिस्टम डेवलप कर सकता है और फीवर, चिल, वीकनेस, हेडेक, नॉजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, लो ब्लड प्रेशर, वीकनेस, रैशेज, ऐसी कुछ चीजें हो सकती है, राइट, जस्ट लाइक दैट। अब ये याद रखिए, अगर हम इसको कैंसर के लिए इस्तेमाल करते हैं तो कीमोथेरेपी से तो कम साइड इफेक्ट है इसमें, इतना तो जरूर है, लेकिन हर एक तरीके के कैंसर के लिए, हर एक तरीके के लिए नहीं बनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एवास्टिन या बीवासी जूमैप करके एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है जो कि टारगेट करती है एक स्पेसिफिक प्रोटीन VEGF नाम का, जो कि एक ट्यूमर होता है, जो ट्यूमर ऑफ ब्लड वेसल ग्रोथ उस पर्टिकुलर ट्यूमर के लिए। तो ये ऐसे चीज़ों में एक हो गया एग्जांपल। सिटीजूमैप करके एक और एंटीबॉडी है जो EGFR नाम के टारगेट करती हैं सेल को। तो ऐसे कई सारे ऑलरेडी बने हुए मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं। अब इस तरीके के कॉन्सेप्ट को लेके इजरायली साइंटिस्ट ने इजराइल में इजरायली इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल रिसर्च ने आइसोलेट कर लिया है कोरोना वायरस के ऊपर का एक स्पेसिफिक एंटीजन, जिसके खिलाफ उन्होंने मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बना लिया, ऐसा वो कह रहे हैं, जो कि स्पेसिफिकली ढूंढ ढूंढ के आपके शरीर के अंदर कोरोना वायरस को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, राइट। अब ये वैक्सीन नहीं है, अंडरस्टैंड, ये वैक्सीन नहीं है, ये ट्रीटमेंट है, ये दवा है। व्हाई? बिकॉज वैक्सीन क्या करती है, वैक्सीन आपके अंदर जाती है और आपके बीटा से आपके बी लिम्फोसाइट्स को स्टिमुलेट करती है एंटीबॉडी बनाने के लिए। यहां हम डायरेक्ट एंटीबॉडी दे रहे हैं जिसको स्टिमुलेट करने की, जिन्होंने जितनी वायरस उतनी एंटीबॉडी दिया वो उतने वायरस को मार दिया। सो ये डायरेक्ट ट्रीटमेंट है, सीरियस पेशेंट्स ठीक हो सकते हैं तुरंत, जैसे वह एंटी ये दिया वो, लेकिन बस अर्थ है कि ये एग्जैक्ट सेम ट्रीटमेंट हो और दूसरे साइड इफेक्ट्स ना हो। अब इस रिसर्च को टाइम लगेगा, राइट। ये थोड़े बहुत पेशेंट्स में सही लग रहा है, मिल रहा है, ह्यूमन टेस्टिंग शुरू है, ये बहुत कुछ टाइम लगेगा इसको ये प्रूव होने में कि ये एग्जैक्टली
मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज कोरोना स्पेसिफिक हैं और कोई साइड इफेक्ट नहीं है, प्लस कितने परसेंट केसेस में देखा जा रहा है कि कोरोना वायरस एग्जैक्टली कम हो जा रहा है, इसको समय लगेगा. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, ये कॉन्सेप्ट है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का और इसराइल ने आइसोलेट किया है ऐसा वो कह रहे हैं. ये समय बताएगा कि इससे कितना फ़ायदा होने वाला है और कितना नहीं. बट ये आपको समझना है कि हर हर दिन दुनिया के हर एक इंसान, हर एक रिसर्चर, हर एक साइंसकारी कोशिश कर रहा है आप लोगों की मदद करने का, अच्छे से अच्छे नए से नए ट्रीटमेंट ईजाद करने का. कई सारे ट्रीटमेंट आगे चल के पता चलेगा कि नहीं ये किसी काम के नहीं है, ये साइड इफेक्ट कर रहे हैं. कई सारे ट्रीटमेंट हो सकता है काम के हो और वो फिर रेकमेंडेशंस में आए, गाइडलाइंस में आए कि बीमारी अभी इतनी जल्दी नहीं जाने वाली है, आपको इससे जीना सीखना होगा और हमें इससे डील करना सीखना होगा. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज डू आस्क. स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी.